तो नमस्कार दोस्तों, मैं लगभग 2 सालों से यहाँ बेल्जियम के एक सुंदर से शहर गेंट में रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया तो था अपनी मास्टर्स इन मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए, बट सिंस देन आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग हियर। और क्योंकि मुझे जल्दी यहाँ पे 2 साल पूरे हो जाएंगे, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ एक्सप्लेनिंग हाउ इज़ माई लाइफ 1 ईयर After finishing my MIA। तो मैं जब इंडिया से बेल्जियम आया तो मैंने बस कल्चरल या फिर जियोग्राफिकल चेंज ही एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ऑल्सो आई एक्सपीरियंस लाइफ स्टाइल चेंज। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो एक्चुअली केयर्स अबाउट सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स वाइल बाइंग सम प्रोडक्ट्स। इंडिया में भी ये माइंड सेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बट इट्स नॉट टू द लेवल येट। इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ माई स्कूल, when I came here, I got into contact with people from different social and economic backgrounds, जिससे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं देख सकूँ how they do things differently that makes them successful। अगर आप मुझे specifically मेरे MIM experience के बारे में पूछेंगे, then I would say it was definitely one of the best studies I've ever had। क्योंकि बस उस एक ही साल में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। उसी वजह से मेरा साल बहुत सारी चैलेंजेस से भी भरा पड़ा था, बट जितनी ज़्यादा चैलेंजेस थी उतना ही बड़ा सेटिस्फैक्शन भी था वंस आई ओवरकम दैट। ड्यूरिंग माय MIM मैंने अपने क्लासेस में, नेटवर्किंग इवेंट्स में या फिर केस स्टडीज में जो भी सीखा है, दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग मी टू मेक गुड डिसीजन अबाउट व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय फ्यूचर। MIM से पहले मुझे अपने फ्यूचर के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, बट नाउ दैट आई हैव लर्न्ड एंड एक्सपीरियंस्ड अ थिंग और टू, मुझे इतना तो पता चल गया कि व्हाट्स द प्रॉपर डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड। अब अगले एक साल के लिए या फिर थोड़े और टाइम के लिए मेरा बस गोल यही है कि ट्राई टू फोकस ऑन एन निश इंडस्ट्री टू बिल्ड माय करियर। क्योंकि व्हाइल लुकिंग फॉर जॉब आई हैव लर्न्ड दैट इफ यू आर जस्ट गुड इनफ एट डूइंग मल्टीपल थिंग्स बट नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड इन वन थिंग, देन यू आर जस्ट लाइक एवरी अदर पर्सन हुज ट्राइंग टू बिल्ड हिज करियर। बट अगर मैं किसी एक चीज में रियली रियली गुड हूँ, देन आई कैन इवेंचुअली बिल्ड अपॉन दैट इन फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाट माय गोल इज। अभी मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट इंडस्ट्री इटसेल्फ फॉर ए ईयर और मे बी सम मोर टाइम। फिर बाद में आई कैन ट्राई टू ग्रो इन द सेम कंपनी, सेम इंडस्ट्री और समवेयर एल्स। एंड यू नो व्हाट मेक्स दैट प्रोसेस इजियर? नेटवर्क्स। मेरे व्लेरिक MIM का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि थ्रू द स्कूल आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अ वाइड पूल ऑफ नेटवर्क्स। व्लेरिक बिजनेस स्कूल बेल्जियम में रैंक 1 बिजनेस स्कूल है और बेनेलक्स रीजन में भी उसकी रेपुटेशन काफ़ी बढ़िया है, एंड बिकॉज ऑफ इस हाई रेपुटेशन इट अट्रैक्ट्स ब्राइट माइंड्स फ्रॉम द रीजन, जो कि ना ही बस अपने स्टडीज में एक्सेल करते हैं बट दे ऑल्सो एक्सेल आफ्टर देयर स्टडीज। इनफैक्ट मेरे क्लासमेट्स में से ऑलमोस्ट सारे के सारे आर डूइंग रियली गुड इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। और जब कोई ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, देन इट्स इवेंचुअली गोइंग टू बेनिफिट देम इन द लॉन्ग रन। बट ऑल्सो जब मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, देन आई गॉट 2 ऑफर्स, one from my LinkedIn and the other one through a Vlerick network, aur Vlerick network ki wajah se I was able to really bump up my offer। It's just been a year and I'm already experiencing so many benefits because of networking, and I know that in future it's only going to compound itself। All in all, agar aap mujhe fir bhi puchoge do I still recommend doing an MIM, then the answer is yes, it is a great experience, but at the same time अगर आपने MIM कर लिया उसका मतलब ये नहीं है कि यू बी श्योरली डूइंग गुड इन योर करियर। नो, यू मे नॉट, इट्स जस्ट अनदर स्टेप इन योर करियर ग्रोथ। बट अगर आपने ये स्टेप ले लिया तो ये आगे आने वाले स्टेप्स को काफ़ी ज़्यादा आसान भी बना देता है। बट देन इट्स ऑल ऑन यू नेक्स्ट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ येस, शो योर लव। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।